नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, पंचों खत्म होते ही भीड़ उमड़ी है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, हरिद्वार से 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा और 73,07,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, 24 जुलाई तक ऐसा ही नजारा रहेगा और हरिद्वार से 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। तो पंचों खत्म होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है और हरिद्वार से 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा। तो बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, 73,07,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले थे और 24 जुलाई तक ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर पंचों खत्म होते ही भीड़ उमड़ी है और हरिद्वार से करीब 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा। और आपको बता दें कि 24 जुलाई तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना है और ऐसे में भगवान शिव को ये महीना अर्पित होता है, समर्पित होता है और भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। और ऐसे में करीब 73,07,000 कांवड़ियों ने जल भरने के लिए निकले थे, जिनमें से 25 लाख लोगों ने हरिद्वार में जल भरा। 24 जुलाई तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। पंचक खत्म होते ही भक्तों की भीड़ भी उमड़ी थी। हरिद्वार से 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा और 73,07,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले थे। कांवड़ यात्रा का आज बताते कि 8वां दिन है और ऐसे में पंचक खत्म होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ी थी और हरिद्वार से करीब 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा है। 73,07,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले। और कांवड़ यात्रा आपको बताते कि बड़े ही धूमधाम के साथ कांवड़ियों ने जल भरा था और ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है वो 24 जुलाई तक देखने को मिलेगा। तो आज सावन का 9वां दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि हरिद्वार से करीब 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा है और 73,07,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है 24 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्त जो है यहाँ पर जल भरने के लिए पहुँचेंगे और जल भरेंगे भक्त। और आपको बता दें कांवड़ियों के लिए भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम इंतज़ाम किए गए, उनके सुरक्षा को लेकर उनके लिए व्यवस्था जो है चाक चौपन की गई थी। और इसी बीच करीब 25 लाख कांवड़ियों ने जल भरा है और ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। तो 24 जुलाई तक ऐसा ही एक नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही धूमधाम से कांवड़ जो है वो जल भर रहे हैं। करीब 73,07,000 कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपका रुक करूंगी, कैसी तस्वीर है, क्योंकि सावन का 8वां दिन है और ऐसे में करीब 25 लाख कांवड़ियों ने जो है वो जल भरा था, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें देखी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय कह सकते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अभी तक जो प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें 1,08,00,000 कांवड़ी यहाँ से कांवड़ लेकर जा चुके हैं। आज कांवड़ यात्रा का 9वां दिन है और मैं इस समय ये हरिद्वार दिल्ली हाईवे है इस पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पहले जो कांवड़ यात्रा चल रही थी वो नहर पटरी से यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलाई जा रही थी, लेकिन अब कांवड़ नहर पट्टी को छोड़कर पूरी तरह से हाईवे पर कांवड़ियों का कब्जा हो चुका है और पूरा हाईवे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक
गंगा के समांतर एक केसरिया गंगा बह रही है, कांवड़ियों की गंगा बह रही है। लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ से गंगा जल लेके जा रहे हैं। आज कांवड़ यात्रा का नौवां दिन है और चूंकि अब डांग कांवड़ भी शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में जो डांग कांवड़ियों के वाहन है वो हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। अब ये कल से आपको ये दिखाई देगा कि अभी जो पैदल जो लोग कांवड़िए जा रहे हैं इनकी संख्या में बहुत कमी आ जाएगी कल से, और जितने भी कांवड़िया यहाँ पर कांवड़ जाते दिखाई देंगे वो दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। दौड़ लगाने के मायने हैं कि एक डांग कांवड़ उसे बोलते हैं और उसमें समय का निर्धारण होता है कि इतने समय के बाद अपने भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है और अपना जो गंतव्य है वहां तक पहुंचना है। उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक समय निर्धारित होता है और उसमें कई कांवड़ियों की टोली होती है, तो वो भाग भाग कर दौड़ लगाकर कांवड़ लेकर जाते हैं। तो कल से वो क्रम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि अब उल्टी गिनती कह सकते हैं कांवड़ मेले की शुरू हो गई है। 26 लेके जा रहे हैं। आप मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये हाईवे का नज़ारा है। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में ये एक अभी कांवड़ियों का झुंड यहाँ से निकल रहा है। हालांकि निरंतर जो ये यात्रा है वो दिन रात यहाँ पर चल रही है। वाहन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, डीजे की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये हाईवे है, ये फोर लेन हाईवे है जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे है, पूरी तरह से कांवड़ियों से भरा हुआ है। और जो पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है सब कांवड़ियों से खचाखच यहाँ पर भरी हुई है। बड़ी संख्या में कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस बार जो अनुमान लगाया गया है करीब 4 करोड़ का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। 1 करोड़ का आंकड़ा तो कल शाम तक पूरा हो चुका है, लेकिन आज बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अनुमानित है कि ये जो आंकड़ा प्रशासन ने 4 करोड़ का दिया था ये भी पूरा हो जाएगा और बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुंचेंगे और चरम पे इस समय कह सकते हैं कि कांवड़ मेला पहुंच गया है। धन्यवाद रवि जी, क्योंकि बहुत ही दूर दराज से कांवड़िया जो है यहाँ पर कांवड़ लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, इसमें प्रशासन की तरफ से वहां पर कैसी तैयारियां देखी जा सकती है? देखिए हालांकि ये कांवड़ मेला 2 साल के बाद हो रहा है, पहले कोविड के चलते कांवड़ यात्रा बंद थी। इस बार बड़ी संख्या में जो अनुमान लगाया जा रहा था, जिस तरह से चारधाम यात्रा में बहुत ज्यादा यात्री आए तो वही अनुमान यहां लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में कांवड़िए आएंगे, तो उसे लेकर व्यापक प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। और लगातार कल भी जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पूरे जनपद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और एक खिल बाईपास है जो अगर ज्यादा भीड़ बढ़ती है तो उसे भी इस बार खोले जाने का कल आदेश डीएम ने दिए हैं कि अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो हिल बाईपास को इस बार खोला जाए। तो जो अधिकारी हैं वो दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, कितने वाहन आ चुके हैं, कितनी पार्किंग फुल है, तो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और अभी पिछले दिनों जो एक अलर्ट भी यहाँ पर आतंकी हमले का जारी किया गया था उसे देखती होगी। हर की पैड़ी जो प्रमुख स्थल है जहाँ से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तो वहाँ से जहाँ से गंगा जल भर लेकर कांवड़िए चल रहे हैं, तो हर की पैड़ी क्षेत्र के सभी गंगा घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, पार्किंग में और इसके अलावा जो बस अड्डा है, तो जहाँ जहाँ भी भीड़ वाले ज्यादा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर बम निरोधक दस्ता की टीम वहाँ पर मौजूद है और 24 घंटे रूटीन में उनकी जो संदिग्ध अगर कोई बैग मिलता है या कोई वस्तु कहीं रखी है, कुछ भी अगर संदिग्ध दिखाई देता है तो उसकी चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। तो सुरक्षा के भी पूरा इंतजाम है और जो आने वाले कांवड़िए हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसे देखते हुए भी पार्किंग के वाहनों की यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो भोले की भक्ति तो कांवड़िए कर ही रहे हैं लेकिन वो लोग की सेवा कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।